जब हम मछली पालन की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया के किसान दो भागों में बंटा हुआ है। एक किसान है जो सिर्फ IMC और विदेशी कार्प का पालन करना ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं। दूसरा किसान है जो कैटफिश में एक ही तरह का मछली जिसे पंगास, जासर, प्यासी के नाम से जानते हैं, इसका पालन करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं क्योंकि इनके हार्वेस्टिंग में टाइम कम लगता है। रेट तो बहुत ज़्यादा IMC के अनुसार नहीं मिल पाता है पंगास वाले किसानों का, बहुत कम मार्जिन, 15%, 20%, 25% हार्डली इनको मार्जिन मिल पाता है जब आप लोग पंगास मछली का पालन करते हैं। चूंकि दाना खाने वाली मछली है पंगास मछलियाँ, तो इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं मिल पाता, यानी बचत आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिल पाता है। दाना 100% दाने पर ही पाले जाने वाली यह पंगास मछली है। जब हम IMC की बात करते हैं तो इसमें तालाब में फर्मेंटेशन करना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। फर्मेंटेशन अगर किया जाए, या फिर बहुत बड़ा बड़ा तालाब है तो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो बच्चे डालते हैं, वापस घर आते हैं और साल भर बाद जाते हैं मछलियाँ निकाल करके लाते हैं। पता नहीं उनकी मछली किलो साइज की कितने दिनों में हो पाती भी है या नहीं हो पाती है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे उन दो तरह के किसानों के बारे में जो IMC और विदेशी कार्प मछलियाँ, जिसके अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ये सब मछलियाँ आती है। IMC में रोहू, कतला और नयन मछली आती है। थोड़ा सा जब हम बात करते हैं इस तरह से, और एक दूसरे किसान हैं जो कैटफिश में, कैटफिश की ही प्रजातियों के बारे में अगर देखा जाए, समझा जाए, तो अनेकों प्रजातियां हैं कैटफिश के अंतर्गत। सिंगी है, मांगूर है, देसी वाली हम बात कर रहे हैं, फिर हाइब्रिड मांगूर भी है, थाई मांगूर, यह भी कैटफिश है। अनेकों मछलियां हैं जिसमें टेंगरा है, इस तरह का तो अनेकों मछलियां हैं कैटफिश के श्रेणी में। फिर भी सारे के सारे लोग पंगास पर ही चोट मारते हैं। हम बात करेंगे आज कि अगर आपको थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़े, यानी IMC और पंगास से अलग हटके कुछ पालन करने के विषय में हम आपको सुझाव दें कि आप थोड़ा सा उस तरफ रुझान अपना बनाएं, तो रेट भी आपको काफ़ी मिलेगा इन मछलियों का, और डिमांड काफ़ी है तो स्वाभाविक है कि रेट अच्छा मिलेगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा, हार्वेस्टिंग बहुत कम समय में होगा। और सबसे बेहतर बात यह होगा कि कम एरिए में आप हाई डेंसिटी में इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। उसमें से एक नाम आता है कवई मछली, ये इंडियन कवई भी होता है और वियतनाम कवई के नाम से भी जाना जाता है कवई मछली को। आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मार्केट में इसका रेट पता करने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जैसा नॉलेज है, आपके मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगा। ये कोई ग्राहक को अगर खरीद के इच्छा हो खाने का तो उनको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको आप छोटे तालाब में पाल ही सकते हैं। साथ साथ आप, बहुत सारे लोगों का यह डिमांड रहता है कि हमको सर सीमेंट वाली टैंक में हम पालन करना चाहते हैं, हमारे पास ये मिट्टी वाली जो अर्दन पॉन्ड बोलते हैं इसकी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तालाब नहीं है मिट्टी वाली, तो हम चाह रहे हैं कि सीमेंट टैंक में हम मछली पालन करें। तो आप सीमेंट टैंक के लिए भी यह उपयुक्त मछली है आपके लिए। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सीमेंट टैंक में रोहू, कतला और ग्रास कार्प, यानी इंडियन मेजर कार्प और विदेशी कार्प का पालन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कवई मछली बहुत बेहतरीन है, रेट काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। तो जिन लोगों को भी कवई मछली का बच्चा चाहिए, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये बच्चे आपको चाहिए इस तरह का, आपको भी वीडियो देख करके या पहले भी आपके कहीं ना कहीं मन में आया होगा कि हमको वियतनाम कवई का पालन करना चाहिए, आपकी इच्छा हुई होगी परंतु बीज नहीं मिलने के कारण आप इसका पालन का विचार त्याग दिए होंगे, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, आपकी हमसे बात होगी, आप पेमेंट करेंगे, हम आपके नज़दीक के बड़े वाले रेलवे जंक्शन जो भी होगा आपके आसपास वहाँ पे हम बच्चे को भेज देंगे, पेमेंट हम लोग पहले लेते हैं। हम बात करें कवई मछली को, ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे आपका तालाब बड़ा है उसमें आप 5,000 बच्चे डालना चाह रहे हैं, 10,000 बच्चे डालना चाह रहे हैं, तो इसके फीडिंग पर विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मछलियाँ ऐसी है जिसको आप हाई डेंसिटी में पालन करते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि छोटा एरिया अगर है आप इसको 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा इस तरह से भी टैंक, सीमेंट टैंक बना करके इसमें पालन कर सकते हैं और हाई डेंसिटी में पालन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बायोफ्लॉक पर भी, भारत सरकार के से अनुदान लेकर के बहुत सारे लोग बायोफ्लॉक मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें पंगास का पालन वे लोग कर रहे हैं, कैटफिश का पालन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जो लोग हमारा वीडियो बायोफ्लॉक वाले, RS सिस्टम वाले देख रहे होंगे, उनसे हम बताना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ पंगास का पालन नहीं करें, उसमें भी ग्रोथ काफ़ी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये बायोफ्लॉक में मछली 1 किलो तो मेरे समझ से होती ही नहीं है, हो नहीं पाती है,
तो वैसे लोग जो परेशान है बायोफ्लॉक, उनको दिमाग में आता है, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन पर नंबर दे करके वो एक बात करते हैं कि सर हमने तो बायोफ्लॉक बनवा लिया, सरकार से कुछ अनुदान यानी सब्सिडी भी ले लिया, परंतु सफल नहीं हो पा रहे। तो वैसे लोगों से हम बताना चाहेंगे बायोफ्लॉक में भी आप कवई का पालन कर सकते हैं और रेट अच्छा आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा पैसा आप कमा लेंगे कवई का पालन करके। तो जिनके पास छोटा तालाब है प्लीज वे बड़े मछलियों की तरफ फोकस न करके इन छोटी मछलियों का मतलब है मेरा कि आप कवई का पालन कर लीजिए, सिंघी मछली का पालन कर लीजिए, देसी मांगुर का पालन कर लीजिए, एक बंगाल में बहुत फेमस नाम है पाबदा, इसका पालन कर लीजिए। किसी भी मछली का बीज मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और फिर IMC का अगर आप पालन करना चाह रहे हैं तो उसका बीज मंगाने के लिए भी दिए हुए नंबर। इंडिया में जिस किसी भी मछली का पालन आप करना चाह रहे हैं उसका बीज हम अवेलेबल आपको कराएंगे, बशर्ते हम लोग पेमेंट पहले लेते हैं। और मछली से रिलेटेड किसी भी तरह की मेडिसिन, अगर तालाब में मछली पल रही है, बीमार हो रही है, आपकी मछलियाँ मर रही है, या फिर ग्रोथ बढ़ाने वाली, या फिर आपको ऑक्सीजन टैबलेट, जियोलाइट टैबलेट, या फिर मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, कुछ भी चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर हम इसीलिए तो दे रहे हैं कि आपका कॉल आएगा, आप पेमेंट करवाएंगे, हम इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके घर तक ये दवाओं को भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।